नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। 7y प्लस 4 बटा y प्लस 2 बराबर है -4/3 के। हमें इस रैखिक समीकरण को हल करना है। उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। हम पहले भी कई क्वेश्चनों में कर चुके हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे। 3 जो है ये इधर गुना होगा 7y प्लस 4 से, और ये जो माइनस चार है ये गुना होगा इधर y प्लस 2 से। तो हमने ऐसे प्रश्नों में पहले भी देखा है कि जब ऐसा हो, एक ब्रैकेट से एक नंबर गुना हो, तो ये 3 7 से भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। इसी प्रकार से माइनस चार y से भी गुना होगा और इधर 2 से भी गुना होगा। तो देखिए क्या बन जाएगा। 3 गुना 7 21, साथ में y प्लस 3 गुना 4 3 चौके 12 बराबर माइनस चार गुना वाई माइनस चार वाई माइनस इंटू प्लस माइनस चार दुनी 8। ये बहुत आसान सवाल है बच्चों, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है साइंस का। अब हम क्या करेंगे बच्चों, y वाली रकमों को एक तरफ ले जाएंगे, बिना y वाली रकमों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये बीच में बराबर का निशान है। 21y तो पहले ही बराबर के लेफ्ट साइड पे था, ये माइनस चार वाई है। जब ये बराबर को क्रॉस करके उधर जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा। अभी ये माइनस चार वाई है, उधर जाके ये बन जाएगा प्लस चार वाई। अब यहां देखिए, ये है माइनस आठ, ये है प्लस बारह। जब ये बराबर के उधर जाएगा तो इसका भी निशान बदल जाएगा। ये अभी प्लस बारह है, उधर जाके बन जाएगा माइनस बारह। आगे देखते हैं, 21y प्लस 4y, ये होता है 21 और 4 25y बराबर माइनस माइनस प्लस 12 और 8 20, साथ में साइन माइनस का। अगले स्टेप में y बराबर माइनस 20, 25 यहाँ y के साथ गुना हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। उल्टा होता है ना बच्चों, गुना का भाग, भाग का गुना। अब हम इसे आपस में काट देंगे, ये दोनों 5 के पहाड़े में कट जाएंगे। 5 के पहाड़े में 5 चौके 20 और 5 पांचे 25, तो हमारे पास आ गया ये माइनस भी है और 4/5। इसका अर्थ ये है, जो हमें इस समीकरण को हल करना था तो y का मान निकालना था, और वो जो y है वो हमारे पास आया है -4/5। ठीक है बच्चों, यही हमें इस प्रश्न में करना था। आशा करता हूं इस वीडियो के जरिए आपको यह प्रश्न थोड़ा आसान लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें उत्साह दीजिएगा। धन्यवाद।